गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम. स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज सन, मून एंड स्टार फ्रॉम योर जीके बुक चैप्टर नंबर 25. लेट्स सी चैप्टर में क्या है. द सन इज वेरी वेरी बिग. सन बहुत बहुत बड़ा है. इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस. यह हमसे बहुत दूर है. सन हमसे बहुत दूरी पर है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट्स. यह हमें हीट देता है एंड लाइट देता है. ओके, गर्मी देता है और लाइट देता है. इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. यह ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है. ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है आपका मून. द मून इज स्मॉलर देन द सन. मून सन से स्मॉल होता है, उससे छोटा होता है. द मून शाइन्स एट नाइट. और मून नाइट में शाइन करता है. द मून लुक्स वेरी ब्राइट एट नाइट. मून नाइट में बहुत ब्राइट दिखता है. हम मून को नाइट में ही देखते हैं, दिन में नहीं दिखाई देता है. ओके, वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एवरी डे. एवरी डे यानी हर रोज़ मून अपने शेप को चेंज करता है. हर रोज़ हम मून को डिफरेंट शेप में देखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्टार्स. देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई. स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. वे भी हमसे बहुत दूर होते हैं. दे ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट. वे नाइट में ट्विंकल करते हैं, रात में चमकते हैं. तो स्टार्स भी हमें नाइट में दिखाई देते हैं. एंड नेक्स्ट है आपका, वी डू नॉट सी देम ड्यूरिंग द डे. हम स्टार्स को दिन में नहीं देख सकते हैं. ओके, तो इस तरह से ये हमारा सन, मून और स्टार्स हो गए. आपको इसी तरह से चैप्टर रीड करना है और इनके बारे में जो भी थिंग्स हैं उनको याद रखना है. ओके, आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलेंगे. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.